क्लास फाइव में चैप्टर थ्री हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी दी हुई है, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन सेम वॉट एवर बी द ऑर्डर ऑफ नंबर्स। इनके ऑर्डर को हम चेंज करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल करके कि 32 × 76, इसका जब मल्टीप्लाई किए तो 2432 आया, और इसके ऑर्डर को चेंज किया गया, मतलब 76 को पहले कर दिए, 32 को बाद में, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना सेम आंसर आ रहा है। तो इन बोथ ऑर्डर्स प्रोडक्ट इट सेम, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑर्डर को चेंज करके जो किया गया है, ऑर्डर को अगर हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू सेम आएगा। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। इसमें प्रोडक्ट ऑफ थ्री आर मोर नंबर्स रिमेन सेम वट एवर बी द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। इसमें ग्रुप में करते हैं, सपोज 7, 24, 10, ठीक, तो 7 × 24 × 10, तो पहले हम दो नंबर्स को ग्रुप में किए, 7 × 24 × 10, 10 को हम जो है ग्रुप से बाहर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई किए 168 हुआ, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 171680, मतलब 1680 होगा। अब इसके अपोजिट 7 × 10 × 24, तो अब हम 10 को ग्रुप में कर रहे हैं, मतलब जो 10 बाद में था, तो 7 × 10 × 24, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। तो इन ईच इन बोथ के शीस प्रोडक्ट इट सेम इज सेम, तो दोनों के प्रोडक्ट सेम होंगे, इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, लेट ए बी सी थ्री नंबर्स, देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये लॉ है किसका, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए को, देखिए बी के साथ भी करें और सी के साथ, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए इज इक्वल ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। एक और लॉ इसमें देखिए फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन, आपको पता होगा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो सेम वही नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 235 × 1 = 235, 4270 × 1 = 4270। एक और है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जीरो, जब हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेम वही जीरो ही आता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो, सो जीरो इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर। इसमें देखिए 615 × 21 = 615, इसमें केवल आपको नंबर पे करना है कि ऑर्डर चेंज किया गया है, तो हम करेंगे क्या, 615 दिया हुआ है, ऐसे ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, तो 21 यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। ऐसे ही 3241 × 0, आपको पता होगा जीरो का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा। इसके बाद 924 × 23 × 35 = 23 × 35 × क्या हो जाएगा 924। 292 मतलब कितना होगा, वही नंबर 292 आ जाएगा। 1927 × यहाँ देखिए इसको, इसका आंसर जीरो आ रहा है, मतलब इसमें जीरो का मल्टीप्लाई किया गया। 347 × 546 = 546, तो क्या करेंगे, यही नंबर यहाँ पे जो बचा हुआ है ये 347, इसको मोई बोलेंगे ना, कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए 9921 × 9 फिर ब्लैंक, यहाँ पर वही नंबर आ रहा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ यहाँ पे वन हो जाएगा, मतलब वन करेंगे तभी इतना नंबर आएगा। अब 32 × 20 + 41, ये आपका प्रॉपर्टी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पे 32 × यहाँ पे 22 हो जाएगा, और प्लस 41 हुआ है तो 32 × 41। 199 × 20 + 20, वही चीज़, वही प्रॉपर्टी सेम, 199 × कितना होगा, यह हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 20, और प्लस यहाँ पर 199 नहीं दिया है तो आप यहाँ 199 कर लेंगे। उसके बाद 36 × 451 + 200, तो इसमें देखिए आपको प्रॉपर्टी सब दिया है, तो पहले 36 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे किसमें, तो यहाँ लिख देंगे 36 × 451, फिर प्लस में आपका हो जाएगा 36 × 200, मतलब पहले इस 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 451 में, और फिर प्लस 36 मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को 3.1 का जो है फिल कर लेंगे। और 3.2 इसमें देखिए, एक हम और देख लेते हैं 3.2 का, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है,
तो 3.2 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे क्या, आपको पता है जो 10 वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 24 है तो 24 का मल्टीप्लाई 1 में कर डालिए, तो 24 अभी आपको हमने बताया कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही नंबर आएगा, मतलब कितना आ जाएगा 24 और कितना जीरो है 10 है, बढ़ा दीजिए हो गया इसका आंसर। 327 है तो इस नंबर का मल्टीप्लाई 1 में कर डालिए तो कितना होगा 327 और कितना जीरो है 1 बढ़ा दीजिए। ऐसे हम एक और देख लेते हैं, ठीक, थर्ड वाला 425 का मल्टीप्लाई 1 में करिए कितना हो जाएगा 425 और कितना जीरो है तो यहाँ 00 बढ़ा दीजिए। ओके, ये हम एक और देख लेते हैं 1000 का, इसके नीचे का जो है 327 into 1000 तो अब करेंगे क्या 327 इतना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और कितना जीरो है 30 1 2 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3.2 के भी क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन जो 2-3 है इसमें भी आप वही करेंगे, पहले 5 का मल्टीप्लाई 31 में कर डालिए और कितना जीरो बढ़ रहा है, जितना जीरो हो रहा है उसको लिख दीजिए। तो आप अगर चाहेंगे तो फिर क्वेश्चन नंबर 3.2 के भी क्वेश्चन 2 और 3 इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, ये देखिए ग्रुप वाला हम आपको एक और बता दे रहे हैं इसमें कैसे करना है ग्रुप वाला, ठीक है ना, ग्रुपिंग करना होता है तो 4 × 27 × 25 हम जब ग्रुप में करेंगे तो 4 और 25 ग्रुप में कर लेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसको ग्रुप में करने से इसका आंसर 00 में आएगा, हम एक इसको बता। अभी हम जो बताएं जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फाइंड द प्रोडक्ट था इसको कैसे करेंगे, जैसे 31 × 50 है तो 5 का मल्टीप्लाई पहले 1 में कर डालिए, तो 5 बन जा 5 और 5 थ्री जा 15, ये आसान तरीका है। अब कितना जीरो है 10 बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल मेथड है ये और इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो एक इसमें हमें कम और कर लेते हैं, या एक तरीका और इसका, जैसे अभी ये देखिए 31 into, हाँ ऐसे 50 को लिख सकते हैं, 5 × 10 = 50 मतलब 5 और नहीं 5 इसको 10 बनाइए, 10 और इंटू 5 बाहर कर दीजिए क्योंकि 50 को तोड़ दिए 10 और 5 में, तो 31 का मल्टीप्लाई 10 में करिए वही होगा ना, 31 बन जाए 31 और 0 और इंटू 5, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0 होगा, 5 बन जाए 5 5 3 जा 15, ठीक। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, और नहीं तो आप जो है अब जैसे ये देखिए 18 का मल्टीप्लाई 9 में करिए तो 18 × 9 = 162 और कितना जीरो है 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 जो बढ़ा दिए, सिंपल सा मेथड है। एक और देख लेते हैं इसमें का, जितने भी क्वेश्चन सब आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन 2 का बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, मान लीजिए आपके जो है फर्स्ट सेकेंड पूरा 9 क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए और जो प्रॉब्लम आता है तो आप उसको हमारे व्हाट्सएप में भेज दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग, तो हम इसमें करेंगे क्या कि 4 और 25 को ग्रुप में करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर 00 आता है × 27 तो 25 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 25 × 4 = 100 × 27 और 27 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना होगा 27 और 00 बढ़ा दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा है तो इसमें किसका करेंगे, 5 और 20 को देख रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 100 तो 5 × 20 और × 42 को बाहर तो 25 × 100 × 42 और 41 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 42 और 00। तो इस तरीके से आप जो है 3.2 के भी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमको जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड करिए।